भारत और कनाडा के रिश्ते कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। कैनेडियाई पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर कई आरोप लगाए और ये सब उन्होंने उस शख्स को खुश करने के लिए किया जिससे उनकी कुर्सी बची रहती। लेकिन अब निज्जर की हत्या का भारत पर आरोप लगाने वाले कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारी मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत भी ऐसी वैसी नहीं, उनकी कुर्सी जा सकती है। उनके अपने सांसद ही उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। लिबरल सांसदों ने उन्हें 28 अक्टूबर तक पद छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और ऐसा ना करने पर उन्हें अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई है। जस्टिन ट्रूडो के सामने सियासी अंधेरा छा गया और वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब अपने बच्चों की दुहाई दे रहे हैं। दरअसल सीबीसी यानी कि कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक बुधवार यानी 23 अक्टूबर को लिबरल सांसदों की एक बैठक हुई। उस बैठक में जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी छीने जाने की स्क्रिप्ट लिखी गई और लिबरल सांसदों ने बुधवार को पीएम जस्टिन ट्रूडो को एक डेडलाइन थमा दी। सांसदों ने यह कहा कि अगले कुछ दिनों में ये फैसला करेंगे कि आपको नेता बने रहना है या फिर अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहें। इसके लिए सांसदों ने 28 अक्टूबर तक इस्तीफे की डेडलाइन दी है। लिबरल पार्टी के सांसदों ने जस्टिन ट्रूडो से चौथी बार प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव न लड़ने को कहा है। पार्टी के करीब 24 सांसदों ने ट्रूडो को हटाने की मांग वाली एक चिट्ठी पर साइन भी कर दिए हैं। दरअसल ट्रूडो विरोधी सांसद काफी समय से चोरी छिपे बैठकें कर रहे थे और वो कॉकस के सदस्यों को एकजुट करना चाहते थे ताकि जस्टिन ट्रूडो को पीएम पद से हटाया जा सके और पार्टी को चुनावी हार से भी बचाया जा सके। करीब 9 साल सरकार में रहने के बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो की पॉपुलैरिटी काफी कम हो गई है और पोल के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी को सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी पर 19 पॉइंट्स की बढ़त भी मिली हुई है। ये अंतर ये भी बताता है कि अगले चुनाव के बाद दर्जनों लिबरल सांसदों को अपनी सीट गंवानी पड़ सकती है। इसी को देखते हुए लगभग 24 लिबरल सांसदों ने ट्रूडो को पद छोड़ने की मांग वाला एक दस्तावेज भी साइन किया है। सूत्रों की माने तो लिबरल पार्टी के सांसद पैट्रिक व्हीलर ने पार्लियामेंट हिल पर पार्टी की कॉकस बैठक में बुधवार को ट्रूडो को एक पत्र पढ़कर सुनाया। इस पत्र में ट्रूडो ने तुरंत इस्तीफा देने के पक्ष में तर्क दिए गए थे और इस पत्र में डेडलाइन भी तय की गई थी। इसमें कहा गया कि जस्टिन ट्रूडो को 28 अक्टूबर से पहले अपने भविष्य के बारे में फैसला लेना होगा। जब लिबरल पार्टी के सांसद जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे थे तब वो काफी परेशान दिखे और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि वो पूरी तरह इमोशनल हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। इस्तीफे की मांग वाली बात सुनकर बैठक में ही भावुक जस्टिन ट्रूडो अपने बच्चों की दुहाई देने लगे और ये भी कहा कि कनाडा के पीएम ट्रूडो ने सांसदों को अपने लंबे राजनीतिक करियर का अपने 3 बच्चों पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया और इस दौरान वो काफी भावुक हो गए। ट्रूडो ने अपने संसदीय दल से कहा कि नेता के तौर पर उनकी योग्यता पर उनकी चिंताओं को सुनने के बाद उन्हें विचार करने के लिए कुछ समय दिया जाए। ये बैठक करीब 3 घंटे तक चली और बंद कमरों में जो जस्टिन ट्रूडो भावुक हुए थे जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी, मगर कुर्सी का तनाव यहाँ साफ दिख रहा था। मीटिंग के बाद बाहर निकलकर मीडिया से उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि लिबरल मजबूत और एकजुट है। इसके अलावा ट्रूडो ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने पहले कहा था कि वो फिर से चुनाव लड़ेंगे। दिलचस्प बात यह है कि कनाडा में पिछले 100 सालों में कोई भी प्रधानमंत्री लगातार 4 बार इस पद पर नहीं रहा है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अगर ट्रूडो 28 अक्टूबर की तय सीमा तक पद छोड़ने की उनकी मांगों को अनदेखा करते हैं तो असंतुष्ट लिबरल क्या करेंगे। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।